दोस्तों शाहिद कपूर की मच अवेटेड मूवीज में से एक है बत्ती गुल मीटर चालू। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा कपूर और शाहिद कपूर स्टारर ये मूवी काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई थी। वहीं आज इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। कल आपको हमने खबर दी थी कि आज इसका ट्रेलर आएगा और आज इसका ट्रेलर 12:30 बजे सभी के साथ साझा कर दिया गया। आपको बता दें कि इसकी जो स्टोरी है वो साफ साफ ट्रेलर से पता चलती है। इसका ट्रेलर काफी ज्यादा दमदार है और शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों की ही केमिस्ट्री लाजवाब लग रही है। मूवी के अंदर आपको शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर के अलावा देवेंदु शर्मा और यामी गौतम भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये कहानी कुछ इस तरीके की है कि शाहिद कपूर और देवेंदु शर्मा एक दूसरे के काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और साथ ही साथ देवेंदु शर्मा एक कंपनी शुरू करता है, लेकिन उनके एरिया में कभी बिजली नहीं आती, लेकिन उनके यहाँ 54 लाख का बिल आ जाता है। वही कंपनी के पास जब वो जाते हैं कि हमारे पास इतना बिल आया है, तब वो कंपनी वाले कहते हैं कि बिल आपको भरना पड़ेगा। इस वजह से देवेंदु शर्मा यानी कि मूवी के अंदर जो शाहिद कपूर के दोस्त का किरदार निभा रहे हैं, वो किरदार आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद शाहिद कपूर अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए सिस्टम से भिड़ जाते हैं और शर्त लगा बैठते हैं कि 54 दिन के अंदर वो उस कंपनी को बर्बाद करके रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद शाहिद कपूर इस मुद्दे को उठाते हैं कि बिजली नहीं आती लेकिन बिल आता है। ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है, क्योंकि आज भी भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर बिजली तो नहीं पहुंच पाती लेकिन उनके घर बिल ज़रूर जा रहा है। इस समस्या को उजागर किया है इस बार शाहिद कपूर ने। शाहिद कपूर काफ़ी दमदार कैरेक्टर में लग रहे हैं। ये कहानी उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो देखना दिलचस्प रहने वाला है कि शाहिद कपूर, देवेंदु शर्मा, यामी गौतम और श्रद्धा कपूर मिलकर इस मूवी को और कितना लाजवाब बनाते हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, और अगर आपने ट्रेलर देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा।